दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चरम पर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसा धमाका हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया को 24 साल बाद फिर हिलाकर रख दिया है। और अब इसकी तरफ दुनिया भी देख रही है, क्योंकि इसके पहले न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसे देश पाकिस्तान आकर लौट चुके हैं और कई देशों की टीमों ने अपने दौरे रद्द कर दिए हैं। एक तरफ इमरान है जो कहीं से भी अपनी बेइज्जती कराकर चले आते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी पिल्ले जिन्होंने अपने ही देशवासियों का जीना हराम कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर नाकामी के कारण लंबे समय तक दुनिया की शीर्ष क्रिकेट टीमों की मेजबानी से वंचित रहने वाले पाकिस्तान के लिए शुक्रवार 4 मार्च का दिन ऐतिहासिक था। करीब 24 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरी। रावलपिंडी के मशहूर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर फिर पाकिस्तान में सुरक्षा हालातों की पोल खुल गई। रावलपिंडी से करीब 190 किलोमीटर दूर पेशावर में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें करीब 50 लोगों की जान चली गई। इससे ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान में बने रहने पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ सुरक्षा विशेषज्ञ बम की घटना के बाद पाकिस्तान में विदेशी मामलों के विभाग के साथ संपर्क कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खिलाड़ियों को 4,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के होटल की छत पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पेशावर में दोपहर को शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में जबरदस्त बम विस्फोट हो गया जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। पेशावर पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की थी जिसे रोकने पर उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही गोली चला दी। इसमें एक पुलिसकर्मी की वहीं पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। इसके तुरंत बाद मस्जिद में धमाका हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर गई है। यहां दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज और एक 2020 मैच खेलना है, लेकिन इससे पहले ही बड़ा धमाका होना टीम के लिए खतरा बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान दौरे से पहले ही एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जारी रहेगा ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक दौरा। दोस्तों, इस धमाके ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगे जारी रहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1998 के बाद पहली बार पाकिस्तान आई है जहां उसे 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और एक 2020 मैच खेलने हैं। शुक्रवार को इस पूरे दौरे के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन था और पहले ही दिन रावलपिंडी से करीब 190 किलोमीटर दूर इस धमाके से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरा जारी रखेगी या वापस जाएगी। इससे पहले पिछले साल ही न्यूजीलैंड की टीम आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान से कोई भी मैच बिना खेले वापस लौट गई थी। इसके बाद इंग्लैंड ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। इसको लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेट बिरादरी में भारी आक्रोश था, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान में फिर से क्रिकेट टीमों का दौरा संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था। तब लाहौर में टेस्ट मैच के लिए जा रही श्रीलंकाई टीम की बस पर कई आतंकियों ने जमकर गोलियां बरसाई थी जिसमें एक खिलाड़ी और एक अंपायर घायल हो गए थे। इसके बाद श्रीलंकाई टीम को स्टेडियम में हेलीकॉप्टर के जरिए लौटाया गया था। इसके बाद से ही लंबे वक्त तक पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला गया था। हालांकि पिछले 4 से 5 साल में स्थिति में बदलाव आया था और टीमें फिर से लौटने लगी थी, लेकिन इस घटना के बाद फिर से काले बादल मंडराने लगे हैं। पुलिस अधिकारी वहीद खान ने एपी को बताया कि धमाका तब हुआ जब नमाज के लिए कोचा रिसालदार मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोग जमा हुए थे। मौजूद रहे कुछ लोगों में से एक शयान हैदर भी उस वक्त मस्जिद में प्रवेश कर रहे थे जब उसमें भीषण धमाका हुआ जिसकी वजह से वो सड़क पर जाकर गिर गए। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ धूल और शव बिखरे पड़े थे। पेशावर में CCPO के अकाउंट के अनुसार घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए गए हैं, लेकिन धमाका किस तरह का था ये बताना इस वक्त जल्दबाजी होगी। अफगानिस्तान की सीमा से लगते खैबर पुख्तनवा प्रांत की राजधानी पेशावर में विस्फोट की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने फौरन नहीं ली,
मगर इस्लामिक स्टेट और कट्टरपंथी आतंकवादी समूह अतीत में शिया समुदाय पर घातक हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में आपातकालीन विभाग में अफरा तफरी मच चुकी है। डॉक्टरों को कई घायल लोगों को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवक्ता के अनुसार अस्पताल को रेड अलर्ट पर रखा गया है और अधिक चिकित्सा कर्मियों को LRH बुलाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई मार्केट हैं और शुक्रवार को नमाज के दौरान यहां काफी भीड़ रहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमले की कड़ी निंदा की है और घायलों को तत्काल चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का किस्सा खवानी बाजार भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। ट्रेजेडी किंग के रूप में मशहूर दिलीप कुमार का जन्म वर्ष 1922 में किस्सा खवानी बाजार में हुआ था। अभिनेता राज कपूर का जन्म भी इस इलाके में हुआ था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 को यहीं पर हुए नरसंहार में ब्रिटिश सैनिकों ने लगभग 479 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था। दोस्तों आतंकवाद को ही सबसे बड़ी वजह बताया जाता है जिसके कारण पाकिस्तान में कोई भी टीम क्रिकेट खेलने नहीं चाहती। पाकिस्तान पिछले कुछ लंबे समय से दुबई में क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है और दुबई उसका घरेलू मैदान बन चुका है। सऊदी अरब में जब एशिया कप हुआ तो उस समय पाकिस्तान को इसकी प्रबल दावेदार टीम बताया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरी सभी टीमों की तुलना में यहाँ पर सबसे अधिक मैच खेले थे। आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो उसके बाद क्रिकेट का वहां पर होना मुश्किल नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन से अधिक पाकिस्तान में आतंकवादियों की चलती हुई नजर आती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी स्थिति दिनों दिन गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में गरीबी का स्तर बढ़ चुका है और वहां लोग रोजी रोटी की तलाश में लंबा लंबा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं भी क्रिकेट का माहौल नहीं बन पा रहा। पाकिस्तान में निम्न आय के लोग क्रिकेट नहीं देख सकते तो मध्यम वर्गीय लोग भी क्रिकेट देखने के लिए मैदान पर आके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते। क्रिकेट देखने के लिए जितने दर्शक मैदान में होने चाहिए पाकिस्तान में उतने दर्शक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय भी कई सारे आतंकवादी ग्रुप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार और लश्करे तायबा जैसे ग्रुप काम कर रहे हैं। कई बार पाकिस्तान में ऐसा देखने के लिए सामने आया है कि जब पुलिस और प्रशासन से ज्यादा आतंकवादी लोग मनमाने तरीके से पाकिस्तान में काम करते हुए नजर आते हैं। बात अगर क्रिकेट की करें तो पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट टीम इस समय क्रिकेट खेलना नहीं चाहती। जैसे तैसे करके पाकिस्तान ने अब अपने देश में क्रिकेट को शुरू तो करवा दिया, लेकिन अभी भी विश्व की बड़ी से बड़ी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से डरती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका की टीम ने जैसे तैसे करके अपना एक दौरा पाकिस्तान का तो किया, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम भी पाकिस्तान में अब क्रिकेट खेलने से कतराने लगी है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।